सब्सक्राइब करो NC7 न्यूज नू ते लेटेस्ट अपडेट पाउन ले प्रेस करो बेल आइकन। केंद्र सरकार वालों भेजे सदे ते किसान जथेबंदियों दे वालों मीटिंग की जा रही है। इस मीटिंग तो बाद ही स्पष्ट होएगा कि इस सदे नु किसान जथेबंदियां मंजूर करनगिया या फिर ना मंजूर करनगिया। पर किसान जथेबंदियां ने कहा कि बीजेपी दे पंजाब प्रधान अश्विनी शर्मा ते होए हमले च किसाना दा कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि यह किसान संघर्ष नु बदनाम करन लई साजिश दा हिस्सा हो सकदा है। इसकी जांच होनी चाहिए। ओ जेड़ा ओ अटैक दी गल आ रही है ये कोई यही जी गल नहीं है। मैं ऐ लगता कल वो अटैक नहीं, तुम होर भी गलों जोड़ के वेखोगे तो वो स्पष्ट हो रहा है कि साढ़े अंदोलन जोड़ा चल रहा किसानों का यू तार पीड़ो करने की यतन किया जा रहा। जिमें कल गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के कई थावान के उत्ते दो तीन थावान के उत्ते बेअदबी का मामला भी सामने आया। अक्सर सरकार अजिहा कुछ कर दया आई हैं कि अंदोलन में कोई होर दिशा दी जाए। यह भी कोई शरारती आंसर का काम हो सकता जोड़ा इतने मतलब बीजेपी के उस लीडर के खिलाफ जो ये कुछ किया तो ये साडा मतलब कोई जथेबंदियों का कोई मतलब नहीं है। तो जे वो कितने प्रोटेस्ट भी करते हैं ये उन्होंने मौलिक अधिकार है, उन्होंने संविधान ने राइट दिता है। अगर वो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। डीसी को भी अपील भी करते हैं कोई किसानों को भी इस तरह दे। देखो असी जिदे सारे साडे जिहड़े प्रोटेस्ट करन वाले साडे नौजवान वीर बैठे है वक्रियां वक्रियां लाइनां ते बैठे आ वक्रे वक्रे धरने च वक्ख वक्ख थावां ते बैठे आ। उन्हां नूं असीं अपील करांगे अज दे अज तुहाडे इस माध्यम दे राहीं कि मीटिंग चली जांदी है साडी प्रोटेस्ट ज्यों दी त्यों जारी है। किसी भी नौजवान ने किसी भी जथेबंदी के किसी लीडर ने कोई भी उन्होंने बीजेपी के जिते भी कितने प्रोटेस्ट करना चाहते हैं जिमें डीसी ने जाना उन्होंने उत्ते सानू किसी ने जाके उन्हों का विरोध नहीं करने वाली गल है नहीं है। उन्हों का हक है वो आप आपका प्रोटेस्ट कर सकते हैं। उन्होंने प्रधान के उत्ते वार होया उन्होंने प्रधान से हमला होया तो कर सकते हैं। ये रौला सानू कोई रौला नहीं है। और मैं फिर दोबारा मतलब सारे प्रोटेस्ट कर रहे साडे नौजवानों साडे होर आगू साहबानों बेनती करदा कि किसी भी तरह का कोई टकराव नहीं पैना। उन्होंने उन्होंने अधिकार वो कर सकते हैं।